अब बात करेंगे खाड़ी देशों की। सोमवार रात से ही खाड़ी देशों पर आफत मंडरा रही है। भीषण बारिश ने पहले ही दुनिया के सबसे पॉपुलर सिटी की कमर तोड़ दी है और फिर रुक रुक कर होती बारिश ने दुनिया में फेमस दुबई को बेहाल कर दिया है। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुबई के पड़ोसी देश ओमान का भी यही हाल है। भारी बारिश से ओमान में भी हालात खराब हैं। ओमान की खाड़ी के दूसरी तरफ बसे पाकिस्तान और ईरान में भी हालात बेकाबू हैं और अफगानिस्तान में भी ये बारिश आफत बनी हुई है। भारी बारिश से कई देशों में जनजीवन अस्त व्यस्त है और 5 दिन बाद भी हालात पटरी पर नहीं लौटे हैं। कई उड़ानें रद्द हैं, लोग घरों में कैद हैं, कई जगह स्कूल और ऑफिस बंद किए गए हैं तो कई जगह लोगों को उनके हाल पर छोड़कर प्रशासन नदारद हो गया है। ये हालात बारिश से बनाए हैं। खाड़ी देशों में तो 2 साल में होने वाली बारिश 2 दिन में ही हो गई। सरकार ने कभी इतनी बारिश की उम्मीद ही नहीं की थी, इसीलिए भारी बारिश के लिए तैयारियां भी नहीं की गई थी। आपको बता दें कि यूएई देश, जिसे आम लोग दुबई के नाम से ज्यादा जानते हैं, वहां पर सोमवार रात और मंगलवार को तो भीषण बारिश हुई, लेकिन बुधवार और गुरुवार को ही बारिश ने हालात को सुधरने नहीं दिया। सोमवार रात से ही बारिश का दौर जारी है और आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूएई में बीते 4 दिन में ही 3 साल की बारिश हो गई है। भारी बारिश की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है और 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। भारी बारिश की वजह से यूएई में एक शख्स की मौत भी हो गई है। इतनी भारी बारिश के लिए यूएई की सरकार तैयार ही नहीं थी, इसीलिए हालात खराब है वहां पर। यूएई को उम्मीद ही नहीं थी कि रेगिस्तान में इतनी भीषण बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए हालात बेहद खराब हो गए। हालांकि प्रशासन सड़कों से पानी निकालने और गाद हटाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब बात करेंगे यूएई के पड़ोसी में बसे देश ओमान में भी बारिश ने तांडव किया है। दुबई पहुंचने से पहले बारिश ने ओमान को ही झकझोरा और ओमान में बीते 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। ओमान में भारी बारिश से कम 20 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 10 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जो स्कूल बस में बैठकर घरों से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन अचानक भारी बारिश हुई और बाढ़ के पानी में बस बह गई। बच्चों को बस से निकालने का भी मौका नहीं मिला। भारी बारिश के चलते ओमान में 1400 लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम्स में भेजा है। ओमान में रविवार तक सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस जो हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। तो ये स्थिति है दुबई और ओमान की। सोमवार यानी 13 अप्रैल से ही पाकिस्तान में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से पाकिस्तान के सबसे उम्दा शहरों में एक कराची बेहाल हो गया है। कई पाकिस्तानी प्रांतों में बाढ़ आ गई है। कराची में 4 दिन की बारिश में कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश का अलर्ट अब भी जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह इमारतें गिरी हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और सड़कें धंस गई हैं। 22 अप्रैल तक पूरे पाकिस्तान में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की सरकार तो पहले से ही कंगाल है। लोगों के पास खाने के लिए पहले से ही अनाज नहीं है और अब भीषण बारिश ने लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने में नाकाफी है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो ये एक स्थिति जो है वो पाकिस्तान की है। भारी बारिश से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि लैंड लॉक्ड देश अफगानिस्तान भी परेशान है। अफगानिस्तान में भी लगातार बारिश हो रही है। ओमान की खाड़ी से बना कम दबाव अफगानिस्तान के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। अफगानिस्तान में बीते 5 दिन से बारिश जारी है, जिससे कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। कई मकान जमींदोज हुए हैं और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों को उनके हाल पर छोड़कर प्रशासन नदारद है। 21 अप्रैल तक अफगानिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हालात जो हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खराब बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो पहले से ही जहां पर महंगाई से जनता दो चार हो रही थी और अब बारिश की मार ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है।